नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज़। बांकीपुर बस स्टैंड से काठमांडू और जनकपुर के लिए नई बसों का रवाना किया गया है, जिसको बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया है, जिसके बाद ये बसें अब पटना से लोगों को नेपाल ले जाएंगी। नेपाल जाने के लिए लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर यहाँ जो मौजूद हैं, जो बस के खलासी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कितने बजे बस कहाँ जाएगी, कितने बजे जाएगी? ये जनकपुर जाएगा। क्या किराया है बस का? बस का किराया है 300 रुपये। कितने बजे यहाँ से खुलेगी? ये खुलने का टाइम अभी तो नहीं हुआ है, कखनी अथी ऐसे खुलता था पहले 10 बजे। और पहुँचती वहाँ कितने बजे है? सुबह 8 बजे 7 बजे पहुँच जाता है। कितने लोग इसमें चढ़ सकते हैं? इसमें कितने लोग? 65 लोग जाएंगे। 65 लोग जाएंगे। स्लीपर भी है कि सिर्फ सीटिंग? स्लीपर और सीट दोनों चीज़ें, 45 सीट है और 20 स्लीपर है। तो आपने सुना कि इन बसों में 45 सीट है और 20 स्लीपर है, जिसके माध्यम से जो लोग हैं वो आराम से नेपाल की यात्रा कर सकेंगे और नेपाल घूम सकेंगे, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग नेपाल जाते हैं लेकिन काफ़ी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है, जिसके बाद बिहार सरकार ने लोगों को काफ़ी राहत दी है। और इसको हरी झंडी दिखाने के बाद जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक हैं, उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, ये भी आप सुने। पटना काठमांडू बस क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सभी पदाधिकारी और कर्मियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम लोग को कल रात में ही परमिट मिला था और आज हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, दीपावली, और दो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत ये बसों का परिचालन शुरू किया गया है। नेपाल की एम्बेसी और बिहार गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और BSRTC के बीच ये आपसी समझौता हुआ है, और चूँकि इसकी शुरुआत आज हो रही है 6 नवंबर को, ये महीना भी बहुत अच्छा है काठमांडू में पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने के लिए। जनकपुर भी बहुत धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत उपयुक्त जगह है। मेरी 2 बसें जाएंगी बोधगया से जनकपुर, 2 बस जाएगी काठमांडू। किराया बहुत ही कम है, 1058 रुपया, इसलिए घूमने के लिए भी, दर्शन करने के लिए भी नवंबर और दिसंबर का महीना काठमांडू घूमने के लिए बहुत उपयोगी है। मैं समस्त बिहारवासियों से अनुरोध करता हूँ कि एक बार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सौजन्य से ये जो गाड़ियाँ चलाई जा रही है उसमें अवश्य यात्रा करें, क्योंकि यह यात्रा बहुत ही सस्ती है, सुरक्षित भी है और बहुत आधुनिक है, पूरी सुविधा युक्त यात्रा है। सर, बस की टाइमिंग क्या है? 2 बजे यहाँ से खुलेगी, जनकपुर के लिए भी और काठमांडू के लिए भी, और शाम में उधर से फिर हम काठमांडू से पटना और बोधगया के लिए आएंगे। सुमन भारती कला सोशल वेलफेयर संस्थान के अंतर्गत में पूरे बिहार वासियों को जो बालवाड़ी केंद्र जो चल रहे हैं, गरीब बच्चा के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का काम जो कर रहे हैं, जो स्कूल से वंचित है, उनकी ओर से छठ और दिवाली को लेकर आर्थिक शुभकामनाएं हमारी बिहार वासियों को और देशवासियों के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से जो प्रशासक हैं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के, उन्होंने कहा कि लोगों को अब काफ़ी सहूलियत होगी नेपाल जाने में, क्योंकि अब हमारे यहाँ से 2 बसें शुरू कर दी गई है, जो एक बस काठमांडू और एक बस जनकपुर जाएगी, जिससे लोगों को काफ़ी आराम होगा। और ये बसें जो हैं वो रोज़ जाएंगी, जिस वजह से जो भी लोग हैं वो नेपाल आसानी से जा सकेंगे, क्योंकि नेपाल में भी काफ़ी सारे घूमने का स्थल है और लोग वहां जाना काफ़ी पसंद करते हैं। इसको लेकर बिहार सरकार ने ये नई पहल की है और इससे लोगों को काफ़ी आराम होगा। आप भी नेपाल की यात्रा कर सकते हैं, उसके लिए आपको बांकीपुर बस स्टैंड जो गांधी मैदान के पास है वहाँ आकर टिकट लेकर आप जनकपुर और काठमांडू दोनों जगह की यात्रा कर सकते हैं और वहां घूम के फिर वापस लौट सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार ने पहल शुरू कर दी है और बसों की शुरुआत दिवाली के दिन से हो गई है। आगे क्या कुछ तस्वीरें होंगे वो आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहते हैं SG News के साथ और देखते रहते हैं SG News।